हेलो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट द चैप्टर ब्रेविंग द ऑड्स पार्ट टू. ए फ्रीक्वेंट इमेज केम बिफोर मी एज आई ले इन बेड आफ्टर एन अर्ली वेकनिंग. और सुबह सुबह जैसे वो सपना देख रही हैं, उनके माइंड में, टीचर के माइंड में एक पिक्चर आता है, द मैथ्स रूम आफ्टर ए विंटर ब्रेक. बरसात की छुट्टियों के बाद मैथ्स रूम में वो गई हैं. एंड व्हाट डिड सी देयर? चेयर्स टर्न्ड ओवर, बुक्स एंड ऑरेंज पील ऑन द फ्लोर. सारे चेयर्स जो है इधर उधर पड़े हुए हैं, बुक्स और ऑरेंज पील, ऑरेंज के छिलके फ्लोर पे पड़े हुए हैं. द टेंथ ईयर इज़ ड्यू फॉर देयर इंग्लिश लेसन. और जो टेंथ ईयर, आई थिंक चैप्टर का नाम है, और उस वहाँ इंग्लिश पढ़ाना है उस टीचर को. सो आई कम इन एंड अटेम्प्ट टू असर्ट माई सेल्फ एंड रीस्टोर ऑर्डर. तो उन्होंने कोशिश किया कि उस डिसऑर्डर को ठीक किया जाए. जेरेमी स्टॉकिंग जोक्स. जेरेमी जो नाम की लड़की थी वो बातचीत कर रही थी, जोक्स कर रही थी. डोना इज़ क्रैकलिंग, वो साउंड निकाल रही थी अजीब तरह का. एंड्रू इज़ स्टैंडिंग ऑन ए डेस्क एंड येलिंग आउट ऑफ द विंडो. और एंड्रू डेस्क पे खड़ा था और बाहर चिल्ला रहा था. At one time, my presence in the doorway would have been enough to ensure a partial silence. यह शायद बहुत पहले कभी होता था कि जब मैं दरवाजे के पास आती थी तो काफ़ी शांति हो जाती थी. Now they give a vague good afternoon, miss. और बहुत अस्पष्ट रूप से अब बच्चे गुड आफ्टरनून बोलते हैं, यानी कि टीचर का रिस्पेक्ट करना बच्चे भूल रहे हैं. ये टीचर अपना दुख बताती है. एंड कैरी ऑन. और वो अपने काम में लगे रहते हैं. किसी भी तरह गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बोल दिया और शुरू हो गए जो कर रहे थे, जो भी बदमाशी कर रहे थे. आई डिस्ट्रीब्यूट द वर्क सीट एक्सपेंसिवली फोटोकॉपीड एंड वी ट्राई टू स्टार्ट. बट तो वो शुरू करती हैं पढ़ाना, और वर्कशीट जो उन्होंने बहुत एक्सपेंसिवली, बहुत खर्च करके और प्रिंट किया है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. और जैसे ही वो स्टार्ट कराती हैं वर्कशीट को का काम, टू गर्ल्स आर मेकिंग नॉइजेज. और दो लड़कियां जो है बात करने लगती हैं, नॉइज करने लगती हैं. मिस आई कांट अंडरस्टैंड दिस. एंड जेम्स इज़ क्वाइटली रीडिंग हिज फुटबॉल मैगज़ीन. और उधर जेम्स जो है अपना फुटबॉल मैगज़ीन पढ़ रहा होता है. जेरेमी कंटिन्यूज़ टू टेल जोक्स मोर क्वाइटली नाउ. और धीरे धीरे से वो जेरेमी जोक्स पढ़ने लगती है. एंड मिशेल बियर्स हर गम फील्ड टीथ एंड अर्जेस पॉल टू शट हिज फेस. देखिए, मिशेल जो है वो अपना, यहाँ बेयर्स का मतलब दिखाना, बेयर्स हर गम फील्ड टीथ एंड अर्जेस पॉल टू शट हिज फेस. आई हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट द बेसिक कंडीशंस इन विच टीचिंग बिकम्स पॉसिबल. और टीचर ये कहती है कि मैं हमेशा और काफ़ी समय से ये ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई बेसिक कंडीशन बनाया जाए, एक माहौल तैयार किया जाए टीचिंग के लिए. बट आई हैव फेल्ड. लेकिन मैं उसमें फेल हो चुकी हूँ, हार मान लिया है मैंने. एंड आई नो लॉन्गर हैव द स्टमक फॉर द जॉब. और अब इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है. एंड दैट इज़ व्हाई आई एम गिविंग अप. शायद इसलिए मैं इस प्रोफेशन को छोड़ रही हूँ. एंड आई हैव डिसाइडेड. तो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द सैडनेस ऑफ ए टीचर, कि कैसे वो बच्चों से परेशान रहता है पूरे क्लासरूम में और पूरे दिन भर. और क्योंकि बहुत सारे बच्चों से उनका इंटरेक्शन होता है, एंड ऑल चिल्ड्रेन आर नॉट द सेम. बच्चे ये नहीं समझते हैं कि
how they are making trouble for their teacher. बच्चे बहुत भोले होते हैं और उनको बहुत कुछ समझाया जाए तो वो समझते नहीं हैं कभी कभी. और हालांकि टीचर्स को भी बच्चों को समझना चाहिए एज आई थिंक. तो टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों एक दूसरे को समझें. इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू.